इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक प्रकरण दर्ज हुआ है। थाने में एक फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की है। दरअसल धोखाधड़ी के इस मामले में डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले थाने में फरियादी कपिल चौधरी निवासी निहालपुरा मंडी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने जांच की तो पाया कि संतोष चौधरी निवासी संस्कृति पैराडाइज में फरियादी को 21 लाख रुपए में सिलिकॉन सिटी का एक प्लॉट बेचने का अनुबंध किया गया था। लेकिन काफी समय बाद ना तो संतोष ने फरियादी को प्लॉट दिलाया, ना ही उसके पैसे लौटाए। आखिरकार फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 420 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक 420, 409, 465 आईपीसी का अपराध आरोपी संतोष, जो संस्कृति पैराडाइज पिगडम्बर राव के रहने वाले, इनके विरुद्ध फरियादी कपिल चौधरी जो निहालपुर मंडी के रहने वाले, इनकी शिकायत जांच पर से पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में ये जो सिलिकॉन सिटी में जो आरोपी है, इसने फरियादी को प्लॉट बेचने का एग्रीमेंट किया था और जिसके एवज में उसने फरियादी से 21 लाख रुपए प्राप्त किए थे। लेकिन आरोपी के द्वारा फरियादी को न तो कोई प्लॉट दिया गया और उसको जो 21 लाख रुपए उससे प्राप्त किए गए वो भी उसको वापस नहीं किए गए। इस प्रकार से जो फरियादी है उसकी रिपोर्ट पर राजेंद्र नगर पुलिस ने ये आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया है।